हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप चल रही है दिवाली की सफाई। और सबसे पहले मैंने अपने कबर्ड सही किया, उसमें बहुत सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैंने सब कपड़े निकाल के और कैसे मैंने ऑर्गेनाइज किया बताऊंगी इस ब्लॉग में। और ये देखिए बालकनी की सफाई हुई है, और ये कपड़े और मैंने कार्टन बॉक्स से बनाए हैं ऑर्गेनाइज़र स्टोरेज के लिए, कपड़े स्टोर करने के लिए। तो आपको बताऊंगी कैसे बनाएं, बनी रहिए मेरे व्लॉग में। तो मैंने इसका यूज़ किया है, इसका ये वेस्ट कार्टन बॉक्स था, तो देखते हैं मैंने कैसे इसका यूज़ किया है। तो देखो मैंने क्या बनाया है इस कार्टून बॉक्स का। ये मैंने अच्छे से एक ऑर्गेनाइज़र बना दिया है, इसमें अपने कपड़े रख के इसे कबर्ड में रखूँगी, तो ये बहुत स्पेस भी कम होता है इससे और कपड़े भी अच्छे से रहते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में मैंने कैसे करा है। और अगर आपके पास भी ऐसे बॉक्सेस हैं तो फेंकेगा नहीं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक और ऑर्गेनाइज़र बता दूँगी कैसे मैंने बनाया है। ये मैंने नेट में बहुत देखे थे, तो मैंने उसी शेप में कट करके बना दिया है खुद से। ये कार्टन बॉक्स वैसे भी वेस्ट थे, तो मैंने सोचा कुछ यूज़ कर देती हूँ इनका। और इससे ना ये बहुत अच्छा है, इसे इजीली आप जो भी आपको पहनना है तो दिखता रहेगा, तो इजीली आप निकाल सकते हैं और इजीली रखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और कबर्ड में भी ऐसा नहीं होगा कि इधर उधर बिखरे बिखरे कपड़े, एक कपड़े निकालते हैं तो दूसरा कपड़ा की तय हमेशा ही ऐसे होता है कि ख़राब हो जाती है। तो बट इससे सही रहेगा कि ऑर्गेनाइज रहेगी अलमारी अच्छे से। और ये देखो कपड़े इतने हो जाते हैं, समझ नहीं आता कहाँ रखें क्या करें, क्योंकि हम खरीदते रहते हैं और पुराने कपड़े बस ऐसे ही रहते हैं। और घर में भी, घर में तो पहनने का इन कुर्तीज़ और सूट पहनने का इतना होता ही हो ही नहीं पाता है घर में, बस टी शर्ट और लोअर वगैरह में ही कंफर्टेबल फील होता है। और जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ तब से तो ये कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, कुछ कभी बाहर जाओ तो जीन्स टी शर्ट या कुछ पहन लो, और फिर कुर्ती वगैरह पहनने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता, कभी हो ही नहीं पाता है। और कुछ कुछ कपड़े तो इतने छोटे मतलब टाइट हो गए हैं, उनको पहनने के लिए पहले खुद को फिट होना पड़ेगा, तो उसके बाद तो मैं अलग कर रही हूँ, जो मैं मुझे पहनना है वो अलग से रख रही हूँ, जो यूज़ के नहीं है उनको अलग कर रही हूँ। तो देखो मैंने एक बॉक्स ये बनाया है, ये मैंने बहुत पहले बना दिया था, तो पहले मैं इसी टाइप के वो बॉक्सेस करके यूज़ इसी टाइप का यूज़ करती थी। अभी मैंने रिसेंटली जो बना कट करके बनाया है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बट ये भी अच्छा है जैसे जीन्स वगैरह रखने के लिए, फोल्ड करके रोल करके रख दो इसमें तो ये अच्छा है। पहले मैं इसी टाइप के बॉक्सेस बना के यूज़ करती थी, तो ये मैंने बहुत पहले बना दिया था। ये भी मैंने कार्टन बॉक्स से यूज़ करके, और इसमें मैं जीन्स वगैरह और अपनी पैंट वगैरह रख देती हूँ रोल करके, तो इजीली पिक करने के लिए इजी रहता है। ये लेगिंग्स वगैरह रखती हूँ। चलो आप इधर आओ, इधर आओ, हाँ बेटा आप इधर आओ, इधर आओ, इधर ऐसी हटो आप। तो बीच बीच में मेरी बेटी काम बढ़ाने आ जाती थी मेरे लिए। और ये फाइनली कबर्ड हो गई है मेरी अच्छे से सेट, और ये हैंगर वगैरह मैंने सेट कर दिया है। और देखो जो मैंने वो बनाया था बॉक्स, और उसमें अच्छे से कपड़े सेट हो रहे हैं, और स्पेस भी ज़्यादा नहीं घेर रहा है, उसके अगल बगल मैंने ऐसे सेट तय मार के कपड़े रखे हैं,
और मैं तो सोच मैं ढूंढ रही थी बॉक्सेस पर मुझे मिले नहीं, सारे बॉक्सेस हमने दे दिए थे, एक दो दिन पहले सफाई की थी तो सारे बॉक्सेस वगैरह दे दिए थे सब। और यहाँ पे लता ने बनाए हैं चाय पकोड़े, और अब मैं थक थक के आके पहले थकान दूर करने के लिए चाय पीती हूँ, पकोड़े खाती हूँ। और बाहर हो रही है बहुत बारिश, अब ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है आज यहाँ पे बेंगलोर में। तो अभी मैं बैठ के आराम से, सफाई तो हो गई है, कबर्ड सही हो गया है, अभी मेरा ही मेरा हुआ है, हितेशी का भी बचा है और मेरे हस्बैंड का तो सही है, वो मैंने बहुत पहले कर दिया था सेट, तो उसको मैं बार बार सेट करती रहती हूँ बीच बीच में, तो वो ठीक है। तो मैं अभी रिलैक्स होकर पहले चाय पीती हूँ अच्छे से और पकौड़ी खाती हूँ। तो उसके बाद अभी मुझे थोड़ा और काम है, बट मैं अभी करूँगी नहीं क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं कल करती हूँ। हो गया। अभी मैं बालकनी की सफाई करवा रही थी और नीचे एक भैया है उनको बोला मैंने साफ़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी जमी हुई थी। और वैसे तो हमने साफ़ किया था बट वो अच्छे से नहीं हुआ था क्लीन मिट्टी का, तो भैया पूरा पानी डाल के अच्छे से साफ़ कर रहे हैं, तो सारे साफ़ क्लीन करवाया है यहाँ पे। उसके बाद देखो कितना गंदा हो रखा है यहाँ पे, क्योंकि सारे कबाड़ जो है उनको फेंकना है, और ये प्लांट्स वगैरह हैं इसके नीचे मिट्टी बहुत जमी हुई थी, कब से साफ़ नहीं किया था। तो अभी मुझे भी टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ, और फिर ऐसे ही हो जाता है। और ये बड़े बड़े गमले मेरे बस के भी नहीं थे खिसकाना और कहाँ साफ़ करना, तो भैया को बोला साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अभी ये बॉक्सेस खाली हो गए हैं, तो इनको मैं क्लीन करके इनको रिफिल करना है, तभी मैं क्लीन करती हूँ। ऑलमोस्ट सफाई तो मेरी हो गई है दिवाली की, अभी फैन वगैरह क्लीन करने हैं, तो वो तो हो जाएगा जल्दी से, क्योंकि ऑलमोस्ट दिवाली की सफाई तो हो गई है, क्योंकि मेन तो वही होता है कि अलमारी वगैरह सेट करना, क्योंकि उसमें कपड़े होते हैं और कौन से कपड़े यूज़ करने के लिए मतलब यूज़ करने हैं, कौन से यूज़ के नहीं है उनको अलग करने हैं, ये सेपरेट करना है, कौन सा रखने हैं कौन से नहीं रखने, वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा टाइम लगता है कि सोचने में कौन सा हम रख अपने लिए रखें या कौन सा हटा दें, तो वो तो हो गया है मेरा। और किचन का भी साफ़ है, किचन का तो डेली का है, तो किचन का तो साफ़ ही है, किचन में ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि अभी हम रिसेंटली जब आए थे घर से तो तब हमने पूरा डीप क्लीन करवाया था किचन, तो अभी किचन तो साफ़ ही है हमारा, बस उसमें थोड़ा बॉक्सेस वगैरह सेट रिफिल करके सेट करने हैं, और जो छोटे थोड़ा थोड़ा सामान बचा होगा उसको निकालना है, और सारा काम निपटा के अब मैं थोड़ा टाइम दे रही हूँ खुद को। तो ये बनाना बहुत ज़्यादा गल गए थे, तो मैंने सोचा कुछ यूज़ कर लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, तो मैंने इसमें थोड़ा हल्दी मिला के अपने लिए तैयार किया है रेसिपी, खाने के लिए नहीं लगाने के लिए, तो ये लगाने वाली रेसिपी है, तो काम अपने लगा रही हूँ अपने फेस में। बहुत स्टिक स्टिक हो रहा है, वेस्ट करने से पहले बढ़िया मैंने सोचा कि कुछ लगा लेती हूँ, यूज कर लेती हूँ उसको, तो इससे अच्छा यूज इसका हो नहीं सकता था। इसमें दिवाली आ रही है, दिवाली के लिए थोड़ा चमक धमक सब कुछ की सफाई हो रही है, तो थोड़ा फेस में भी लगाया जाए।
और ये बच्चों के साथ ना, बच्चों के घर में तो रोज ही दिवाली है और रोज ही त्योहार है, क्योंकि ये रोज ही इतना गंदा कर देते हैं, रोज हमेशा साफ करना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।